Hi everyone, it's Monday and it's the time जब मैं upload करती हूँ previous week जो मैंने class 12 board exam की assignment दी थी आपको उसके solutions यानी मैंने assignment four share की थी आपके साथ last Tuesday and आज मैं ले आई हूँ उसके solutions आप लोगों के लिए Hi everyone, welcome back to my course classes मैं हूँ सुरभि यहाँ पर एक series चलती है जहाँ पे every Tuesday uh, I upload a new assignment as like your board exam for economics uh, for class 12 students and on every Friday

तो आप सोच रहे होंगे हम वेंसटे एंड सैटरडेस क्या करते हैं हम एंड सैटरडे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर के कुछ आर्टिकल्स पढ़ते हैं जो की uh, हर एग्जाम के लिए यानी आप क्लास ट्वेल्थ के बाद भी किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में अपेयर होने की सोच रहे हैं तो आज से आपको एनालिसिस करना आ जाता है उस न्यूज uh, से सो so वो सारी न्यूज मैं आपके लिए पिक करती हूँ ताकि आप करंट अफेयर से अपडेटेड रहें एंड आपको बहुत ज्यादा एफर्ट ना करना पड़े सो विद आई शेयर द सोल्यूशन ऑफ द प्रीवियस वीक्स असाइनमेंट एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट डूइंग इट so so uh, just give me a minute I'll do the necessary adjustments okay so this is fourth assignment upload कर दिया था ये assignment असाइनमेंट uh, Tuesday को कहाँ पर था video भी है screenshots शॉट नहीं लिए तो एंड टेलीग्राम ग्रुप पे भी इसका लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले ही दिया हुआ है ताकि आप सीधे वहीं पहुंच जाओ सो so, पहला क्वेश्चन था uh, आपका कि सपोज द फॉलोइंग डेटा इज प्रेजेंटेड फॉर एन इमेजिनरी इकोनमी यहाँ पे विजिबल एक्सपोर्ट है और विजिबल इम्पोर्ट है ठीक है सो so, आप ये देखो यहाँ पर ओके okay. प्रैक्टिकली भी देखो ना कैलकुलेट नहीं करना बहुत ज्यादा आप बस ये देखो विजिबल इम्पोर्ट है इम्पोर्ट में कितना इंक्रीज आया है इम्पोर्ट में टू ट्वेंटी का इंक्रीज आया है ठीक है एक्सपोर्ट में कितना इंक्रीज आया है एक्सपोर्ट में आया है आपका थ्री हंड्रेड का इंक्रीज सो एक्सपोर्ट इंक्रीज ज्यादा है एक्सपोर्ट इंक्रीज ज्यादा है आपको ये पता है यानी अर्निंग ज्यादा हुई होगी अब देख लेते हैं कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है इम्प्रूव बैलेंस ऑफ ट्रेड

ठीक है यही सीयूटी में भी क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के सो यू आर प्रिपेयर फॉर बोथ काइंड ऑफ क्वेश्चंस देन एक्सप्लेन हाउ ओके जस्ट गिव मी अ मिनट या सो एक्सप्लेन हाउ एक्सचेंज रेट इज डिटर्म अंडर अ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम फिक्स तो फिक्स सॉरी <clears throat> Free market exchange rate. Free market mein demand and supply uh, foreign currency ka jo bhi ho So <clears throat> it's determined by forces of demand and supply for foreign currency. If demand for currency increases, the value rises, and vice versa. For example, if more people want to buy US dollar using Indian rupees, the value of dollar will increase relative to rupee. Conversely, if supply of dollar in the market increases, the value of dollar will decrease. You can also use, I would say. आई मीन यू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट थोड़ा खुद क्रिएटिव होकर सोचो कि कैसे कर सकते हो बट आई वुड से डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरिन करेंसी का वो यूज करो कि सप्लाई ऑफ डॉलर अगर इंक्रीज हो गई तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी ठीक है ये वैल्यू होता है ये वैल्यू कम हो जाएगी एंड अगर डिमांड इंक्रीज हो गई तो वैल्यू ऊपर हो जाएगी ठीक है यू शुड शो दिस काइंड ऑफ डायग्राम विद दिस क्वेश्चन इट इज मैंडेटरी आई वुड से इफ यू वॉन्ट टू फेच फुल मार्क्स देन

ज in income. Income करनी है सो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम डेल्टा वाई बाय डेल्टा ए भी कहते हैं कि investment increase की इन्वेस्टमेंट इंक्रीज की वजह से कितना इनकम में इंक्रीज आया सो so, मुझे कितना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज चाहिए मेरा मल्टीप्लायर फोर है मेरी इनकम uh, मुझे करनी है टू थाउजेंड तो uh, मुझे इन्वेस्टमेंट कितनी इंक्रीज करनी पड़ेगी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज मुझे करनी पड़ेगी फाइव हंड्रेड राइट इन्वेस्टमेंट इधर आ जाएगा एंड इन्वेस्टमेंट इंक्रीज इज रिक्वयर्ड टू बी टू थाउजेंड इंक्रीज इन इनकम अपॉन मल्टीप्लायर विच इज फाइव हंड्रेड यानी फाइव हंड्रेड इन्वेस्टमेंट भी मैं इंक्रीज करूंगी और क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो है की इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने से फोर टाइम्स इंक्रीज आ जाता है इनकम में सो फाइव हंड्रेड इंक्रीज करने से इन्वेस्टमेंट में uh, मेरा फोर टाइम्स इंक्रीज आ जाएगा यानी फाइव हंड्रेड इंटू फोर विच इज टू थाउजेंड एंड टू थाउजेंड हमें पहुंचना था ठीक है sorted let's move on to the next question define gdp deflator and discuss its importance state and discuss two precautions to be considered while estimating national income by expenditure method i am assuming whosoever is in class 12th right now एंड अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपने कोई चैप्टर कराओ ना कराओ आपने नेशनल इनकम कर लिया है गिवन अप्रैल जा चुका है मई जा चुका है जून जा चुका है जुलाई जा चुका है ऑलमोस्ट ठीक है तो चार महीने में नेशनल इनकम तो क्या मतलब बहुत सारा कोर्स कवर हो जाता है एंड कई स्कूल्स में एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं सो या तो ये चैप्टर का आंसर तो आपको खुद ही करना चाहिए बट ठीक है फिर भी देख लो कि जीडीपी डिफ्लेटर को पहले हमने डिफाइन कर दिया कि एक इंडेक्स है जो चेंज इन एवरेज प्राइस लेवल बताता है इसका फॉर्मूला ये है स्क्रीन पर आपको दिख रहा है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये डिफ्रेंशिएट करता है बिटवीन नॉमिनल एंड रियल क्योंकि कई बार हमें नॉमिनल जीडीपी दिखने में नंबर्स बहुत ज्यादा दिख रहे होते हैं बट हो सकता है सिर्फ वो प्राइस इंक्रीज की वजह से है तो ये वो वाला फैक्टर जो है वो इनकॉर्पोरेट करता है एंड इट इज अ ब्रॉड मेजर ऑफ इन्फ्लेशन ठीक है <coughs> गैप बिटवीन थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिकल ये बिकॉज थ्योरी हम लोग स्कूलों से निकलते हैं तो हम थ्योरी करके जाते हैं वही हम वहाँ पे जाके हम सोचते हैं कि यू नो देर आर मोस्ट ऑफ यू

बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान इनिशियटेड रिफॉर्म विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर नो मतलब ठीक है एक्सटर्नल प्रेशर था ऑफकोर्स था इंडिया के पास तो रिजर्व ही नहीं बचे थे दो दिन के भी और फिर आई एम एफ के पास गए थे वो वर्ल्ड बैंक के पास उनका एक्सटर्नल प्रेशर था सो य स्टेटमेंट तो रॉन्ग है पाकिस्तान ने सक्सेसफुल इंप्लीमेंट किया एसड पॉलिसी और उसने बेनिफिट रीप करा है नो दिस इज ऑल्सो नॉर ट्रू बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स क्रिटिकली इवेल्यूएट द रोल ऑफ रूरल बैंकिंग सिस्टम इन द प्रोस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया रूरल बैंकिंग सिस्टम का क्या बेनिफिट uh, रहता है, है वो क्रेडिट अवेलेबिलिटी इंक्रीज करते हैं अदरवाइज आप इनफॉर्मल सोर्सेस से मनी लेने जाओगे या आप uh, बहुत ज्यादा मोटिवेटर रखोगे लोग आपको बहुत लूटेंगे सो रूरल बैंक आपकी मदद करता है फाइनेंशियली इंक्लूड करता है सबको एंड सपोर्ट करता है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को लोन प्रोवाइड करता है छोटी छोटी चीजों के लिए भी जैसे परचेज करना है सीड फर्टिलाइजर परचेज करना है मशीनरी परचेज करनी है टू एनहांस

But there's a need for better infrastructure, of course, and there's always a room for improvement, right? नाइन्थ क्वेश्चन स्टेट करना है ट्रू या फॉल्स है विद वैलड आर्ग्यूमेंट ह्यूमन कैपिटल इन ह्यूमन डेवलपमेंट आर वन एन द सेम अ सोलो पॉडकास्ट कि ये क्या सेम चीज है वैसे तो सोलो में मजा नहीं आएगा ये डिबेट पॉइंट है किसी वेबिनार में ये टॉपिक लेंगे एंड इस पे डिटेल डिस्कशन करेंगे बट अभी के लिए अफकोर्स नो दो थिंग्स आर नॉट सेम ठीक है ह्यूमन कैपिटल है स्किल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस जो एक इंडिविजुअल पोजेस कर रहा है वेयर एज ह्यूमन डेवलपमेंट एक बहुत ही ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है ठीक है एग्जाम्पल भी दिया हमने कि एक कंट्री है जिसके पास हाई लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल है स्किल वर्क फोर्स तो बहुत है बट फिर भी ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं है यानी हेल्थ केयर और एजुकेशन सिस्टम अभी भी उतने अच्छे नहीं है फिर फॉल्स है नेक्स्ट स्टेटमेंट इंडिया हैज अ पुअर स्टॉक ऑफ टेक्निकल मैन पावर नो अच्छा खासा टेक्निकल मैन पावर है हमारे पास ज्यादा ही है बल्कि हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे स्किल और डिमांड गैप बहुत ज्यादा है बट इंडिया हैज अग्निफिकेंट स्टॉक ऑफ टेक्निकल मैन पावर लार्ज नंबर ऑफ इंजीनियर्स आई टी प्रोफेशनल साइंटिस्ट हाँ है तो इंजीनियर्स तो है बट क्वालिटी और एम्प्लॉयबिलिटी पे थोड़ा क्वेश्चन आ जाता है स्किल्स नहीं है इंडस्ट्री रेलिवेंट स्किल्स नहीं है केस स्टडीज पे बताती है कि आई टी सेक्टर इंडिया हैज आई टी सेक्टर इंडियाज आई टी सेक्टर इज द मेजर एम्प्लॉयर ऑफ टेक्निकल मैन पावर कॉन्ट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू द इकोनमी थ्रू एक्सपोर्ट्स एंड जॉब क्रिएशन विच इज ट्रू okay then let's move on to the final question. I won't read the case study I'm assuming you've already read it if you have not so telegram group or PDF download karke case study karlo. okay And let's move on to the questions part one what was the green revol why was the green revolution implemented and is benefit Kia? How did it benefit uh, benefit the farmers? इम्प्लीमेंटेशन क्यों हुआ था क्योंकि फूड शॉर्टेज हो गए थे हमारी कंट्री में खाना नहीं बचा था हम लोगों के लिए क्योंकि जब ब्रिटिशर्स गए थे हम वैसे बहुत ही अच्छी थे इंडिया 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 वाज अ वेरी ग्रेट सोने की चिड़िया कहते हैं ना इंडिया को एंड के पास फूड खाना खाना ही खाना था खूब सारा लोग बनाते थे अपने लिए खाते थे अपनी जमीन पे धीरे धीरे क्या हुआ ब्रिटिशर्स ने वो जमीन लेनी शुरू की अब ये पूरी जमीन पे अगर पहले खाना बनता था अब इतने हिस्से पे ही बस खाना बनने लगा बाकी इंडिगो प्रोडक्शन के लिए उन्होंने फोर्स करने लगे तो इस वजह से जो फूड लैंड था वो कम हुआ तो लोगों के लिए अपने खाने के लिए नहीं बचा और अपने खाने के लिए धीरे धीरे कम होता रहा फिर इतना भी नहीं बचा कि आप किसी और की हेल्प कर पाओ एंड धीरे 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 हम बहुत ही फूड शॉर्टेज में चले गए थे ठीक है सेल्फ सफ़िशिएंसी नहीं थी हमारे यहाँ तो इसलिए हमें ग्रीन रेवोल्यूशन लाना पड़ा कि बेटर मैकेनिज्म लेते हैं यू uh, नो you know, uh, उस फील्ड पे क्रॉप ग्रो करने के लिए एंड बेटर तरीके से क्रॉप ग्रो करने के लिए बेनिफिट हुआ है इसका फार्मर्स को कि इट इनक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी थ्रू एच वाई वी यू नो आपका हाई यील्डिंग सीड्स वेराइटीज एंड फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड इम्प्रूव डरिगेशन तो ये सब हमने इम्प्लीमेंट करा ग्रीन रेवोल्यूशन में एंड इससे हायर क्रॉप रिल देखने को मिली एंड फार्मर्स को भी ज्यादा इनकम मिलने लगी ठीक है जस्टिफाई योर स्टेटमेंट ग्रीन रेवोल्यूशन एनेबल द गवर्नमेंट टू प्रोक्योर सफिशियंट फूड ग्रेन्स टू बिल्ड इट स्टॉक दैट वुड बी यूज ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ शॉर्टेज दैट्स ट्रू एंड जस्टिफाई करना है हमें okay, ओके वो पहले ही बोल रहा है सच <laughs> उसने जिस स्टेटमेंट में वो बोल रहा है जस्टिफाई इसका मतलब जो उसके आगे वो स्टेटमेंट बोल रहा है वो तो सच है ठीक है सो ये चीज पता होनी चाहिए कोई कोई स्टेटमेंट वो आपसे पूछते हैं कि आ, आ, इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स और कोई कोई स्टेटमेंट आपको ना ये बताना चाहिए कि कब क्या पूछ रहे हैं वो आपसे तो जैसे उन्होंने जस्टिफाइ द स्टेटमेंट बोला और उसके आगे एक स्टेटमेंट दे दिया आपको तो आपको टेक्निकली ये पता है कि ये स्टेटमेंट तो सच है मेरा काम ये नहीं बोलना है कि ये सच और है और ये क्यों है दिस इज नॉट माई क्वेश्चन माई क्वेश्चन इज कि यार ये सच है ये तो हमने देखो बता दिया अब जस्टिफाई तू कर की क्यूँ सच है ये एग्जामिनर बोल रहा है तुमको मैं नहीं बोल रही ठीक है सो so, अभी आ, अभी एग्जामिनर मैं ही हूँ इन फूड प्रोडक्शन अलाउंग गवर्नमेंट क्योंकि बहुत फूड प्रोडक्शन हो गया था uh, हम सेल्फ सफिशियंट हो गए थे बफर स्टॉक्स थे बफर स्टॉक फार्मर्स के पास इतना भी नहीं है कि वो स्टोर कर पाए इसको ठीक से तो ये एजेंसीज मैनेज करती थी जैसे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक एजेंसी है उसने मैनेज किया

Uh, uh, you know, ंग I mean, कुछ नहीं समझ आ रहा है या कुछ अच्छा लग रहा है दोनों ही केसेस में बोलिए क्योंकि आप अगर अपने अंदर रखेंगे तो मैं या कोई भी सामने वाला अंतरयामी नहीं है जो बिना बोले समझ जाएगा सो इट्स बेटर यू कम्युनिकेट एंड कम्युनिकेट करने के लिए बहुत तरीके हैं मेरा ई मेल है वीडियो को लाइक like कर सकते हो डिसलाइक भी कर सकते हो एंड कॉमेंट कर सकते हो कम्युनिटी टैप पे मैं बहुत एक्टिव हूँ वहां पे बोल सकते हो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे बोल सकते हो आके कोई भी तरीका ढूंढ लो बात करने का अपनी बात मुझ, मुझ तक पहुंचाने का बट प्लीज़ बताइए कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं एंड कोई भी इंप्रूवमेंट चाहिए आपको आई एम ऑलवेज देयर या कोई और रिक्वायरमेंट है सो डू लेट मी नो सो दैट आई कैन हेल्प यू फॉर योर गुड So, with that, on this note, I would just wrap up and bring you a next assignment, assignment five tomorrow. So, stay tuned, guys, and thank you so much for tuning in. I'll see you tomorrow. Till then, take care and bye bye.